नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाई, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी कमाई से मैं एक बाइक खरीदने जा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो ऐसे ही मस्ती मस्ती करते हुए हमने बारीपदा टाउन पहुँच गए जहाँ पर हमको बाइक डिलीवरी लेना है। तो जाते जाते एक ट्रैक्टर का शोरूम भी दिख गया जिसमें मैं बहुत सारे रिव्यू वीडियो बनाया हूँ। और आज का दिन जो डिलीवरी लेने थे वो जनवरी 1 तारीख। फाइनली शोरूम बोले भाई आ गए और शोरूम देख के आपको पता चल गया होगा मैं किस बाइक लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही शोरूम एंटर करते हुए मेरा धड़कने तेज हो रहे थे क्योंकि लाइफ में ये मेरा पहला बाइक है। इससे पहले कभी बाइक अपने नाम पे नहीं था। तो देख सकते हैं दोनों ड्यूक 200 मॉडल 200 सीसी का। तो इन दोनों कलर में से मैं एक को लूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं किस बाइक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में गाड़ी लेना चाहते हैं तो KTM को बजाज फाइनेंसर जो फाइनेंस करती है, और मेरे को ये गाड़ी फाइनेंस में 9.5 इंटरेस्ट रेट के साथ मिली है। दोस्तों, गाड़ी लेने से पहले आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। तो हमने पेपर वर्क पहले से ही कर दिया था क्योंकि जनवरी 1 को उसका शोरूम का ऑफिस बंद रहता है, तो इसलिए हमने पहले ही पेपर वर्क सब ख़त्म कर दिया था। और अब जैसे ही पेपर वर्क ख़त्म करके एक दिन के बाद आपको गाड़ी मिल जाती है नंबर प्लेट के साथ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम कैसे डिलीवरी लेते हैं। फाइनली बहुत सारा पेपर वर्क के बाद हम गाड़ी को डिलीवरी लेंगे। दोस्तों, अब टाइम आ गया है बड़े वाले चाबी को लेने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा हम किस मॉडल लेना चाहते हैं। हम ड्यूक 200 जो नेकेड बाइक है उसे लेना चाहते हैं। अब फोटो सीजन का आ गया है तो बहुत सारे फ़ोटो खींचे। उसके बाद हमको घर भी जाना था क्योंकि जनवरी 1 तो हम फिस्ट करना है। तो फाइनली अब हमको गाड़ी मिल चुकी है। अब फाइनल चेक कर रहे हैं ताकि लाइट वाइट ख़राब ना हो। दोस्तों, अब टाइम आ गया गाड़ी को लेने के लिए। तो मैं उसे पहले बार छू रहा हूँ तो डर डर के निकालना पड़ता है। नई गाड़ी है, अगर कहीं गिर गई तो बहुत ही नुकसान होगा। तो ऐसे ही मैं चढ़ के गाड़ी को निकाला। मन में जो एक्साइटमेंट वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पहली बार मैं KTM बाइक चला रहा हूँ। उससे पहले तो मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर या ग्लैमर चलाता था, वो भी दूसरों का। तो अब खुद का गाड़ी चलाने में जो फीलिंग्स और ख़ुद के पैसे से खरीदने से वो जो फीलिंग्स, जो गाड़ी ख़रीदा हुआ है उसको समझ में आएगा। तो फाइनली हम निकल गए घर को। और रास्ते में जब गाड़ी लाओगे तो उसमें पेट्रोल नहीं होता है, तो रास्ते में हमने पेट्रोल भी भरवाया। पेट्रोल फुल तो नहीं किए, हाफ ही डाले। उसके बाद हम रास्ते में चल पड़े। उस दिन बहुत ही कोहरा था। उसके बाद हमने रास्ते में कुछ रील बनाए और फोटो खींचे। और आप देख सकते हैं वो जिक्सर और RX 100 जो बहुत पुराना मॉडल है, मॉडिफाइड किया गया है और मेरा रील। और आते आते हमको भूख लगा था तो हमने रास्ते में कुछ खा लिए। उसके बाद घर जाके हमने फीस्ट कर लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और तो चलिए किसान, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।